प्रदेश में विपर्जय चक्रवात के दौरान पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हुई और इसका सबसे ज्यादा फायदा जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी की पेयजल जरूरत को पूरा करने वाले बिसरपुर बांध को मिला। अब मानसून सक्रिय हो गया है और बीते 13 दिन में बांध में 50 सेंटीमीटर पानी की आवक हो चुकी है। अब अगर आने वाले दिनों में मानसून की झमाझम रही तो लगातार दूसरे साल भी बांध छलकेगा और रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अब तक के आकलन के अनुसार कोई भी बांध 3 वर्ष में एक बार छलकता है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। प्रदेश में विपर्जय चक्रवात 17 जून को आया और इसके ठीक एक दिन पहले बांध का जलस्तर 312.79 आरएल मीटर था। चक्रवात के कारण पूरे टोंक जिले और बांध के कंचमिट एरिया में भारी बारिश हुई और पानी की आवक शुरू हो गई। इसके बाद मानसून सक्रिय हो गया और कंचमिट एरिया में बारिश का दौर शुरू हो गया। ऐसे में 13 दिन में बांध में 50 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है और बांध का जलस्तर 312.79 आरएल मीटर से बढ़कर 313.27 आरएल मीटर हो गया है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स के अनुसार बारिश का दौर ऐसा ही रहा तो बांध को छलकने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि छलकने के लिए महज 2.25 मीटर पानी की आवक की जरूरत होगी। पिछले वर्ष बांध 74 दिनों तक छलकता रहा और 36 TMC पानी बांध से बहाया गया।